दोस्तों हमारा पहला चिन्ह है ऊंचाई सीमा को दर्शाता है। ये चिन्ह में दर्शा रहा है कि इस जगह से केवल 3.5 मीटर ऊंचे ऊंचाई वाले ही बांध जा सकते हैं, उससे कम वाले ना कि ज्यादा वाले। दोस्तों हमारा दूसरा चिन्ह है भार सीमा, निश्चित भार सीमा है। इस पर से जो ये पुलों के पास लगाया जाता है, इसका मतलब है कि उस पुल के ऊपर से 17 टन से अधिक माल नहीं ले जा सकता। माती का चिन्ह है एक्चुअल भार सीमा। आमतौर पर किसी भी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है कि इस पुल चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। इस दर्शाता कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल वाले भार वाले माल इस पुल से ले जा सकते हैं। दोस्तों हमारा चौथा चिन्ह है गति सीमा। इस चिन्ह में दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति वाले वाहन गति। दोस्तों हमारा छठा चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब होता है बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी आगे जाकर रोड बाएं मुड़ती हुई होती है, तो हमें आगे मुड़ना अनिवार्य है। हमारा सातवां चिन्ह है आगे चलकर दाएं मुड़ना। आप चिन्ह को देखकर समझ सकते हैं कि जहां पर भी ये चिन्ह मिले आपको आगे चलना उसके बाद दाएं मुड़ना जरूरी है। हमारा आठवां चिन्ह है आगे चलना अनिवार्य है, यानी रोड बिल्कुल सीधी है वहां सीधा चलना अनिवार्य है। किसी भी तरफ मुड़ने पर जुर्माना लग सकता है या सुखा खतरा हो सकता है। दोस्तों हमारा आखिरी चिन्ह है प्रतिबंधित समाप्ति चिन्ह। चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार बैठ रही है, लेकिन ड्राइवर को और दुर्घटना से बचने के लिए सोचा के सभी उपाय करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को